बैक टू वंशिकास ब्लॉगिंग लाइफ। अभी बज रहे हैं दिन के सवा 12 और अभी आज है फादर्स डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको, उनके मम्मी पापा को। सो अभी हमारा प्लान है एक गेम खेलने का। उसमें 6 इतना इतना पानी भर लिया है जो हम बॉट्स उनको पुश कर कर गिराएंगे। तो अभी चलो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जो अभी भविष्य गया बॉटल लेने, हमारा थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज अब हम करेंगे पहले तो वॉल को डेकोरेट शाम के टाइम में पापा के आने से 1 घंटा पहले। एंड कल हमने रात को छोटा सा केक कटवा दिया था पापा ने, इसलिए हम कोई भी मतलब वीडियो नहीं बना पाए केक कटिंग की। और आज रोज रोज केक काटना तो अच्छा नहीं लगता, तो अभी हमने एक नया हम बनाएंगे पिज्जा। हम जो आधा केक बचे उसको भी कट करेंगे साथ में। हाँ नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमें लेके आएंगे। हाँ हम बनाएंगे पिज्जा और उसको कट करवाएंगे। और अब तो लॉकडाउन है तो घर जाएगा। तो घर जाने के बाद दिख नहीं देंगे, हम कल जाएंगे मॉल। आज पॉसिबल नहीं था बिकॉज आज हमारा है गेम थ्रो द बॉल फॉल द बॉटल। तो कल हम जाएंगे मॉल में शायद जाएंगे। उनको अपने कपड़े सोच रहे मैं बाल इतने से है भैया, पीछे भी है बाल, मैंने वो कर रखी है बांध रखा है इसलिए। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कर रहे हैं। हमारे पास पूरी 7 बॉटल्स है। हम ये प्लास्टिक को रिड्यूस करके खेल रहे हैं इनसे। एक सबसे छोटी, एक बड़ी, एक मीडियम, वो दो भी मीडियम। ये 5-5 लीटर्स की हैं, ये देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अरा भविष्य यहाँ पे ये इसको थ्री चांस मिलेंगे गिराने के। 3 मिलेंगे, ओनली 3। इसने फनी फाड़ दिया। अभी हम जितनी बॉल गिराएंगे उनका उतना ही पॉइंट माना जाएगा। जैसे भविष्य ने अभी एक बॉटल गिराई है तो उसका एक ही पॉइंट माना जाएगा। 2 पॉइंट हो चुके हैं भविष्य के। एंड आखिरी चांस बचा हुआ है। अब देख मासी यहाँ से आओ, कूड़ा उड़ उड़ कर आ रहा है पार्किंग में। एंड यहाँ पर चांस खत्म। और अब है मेरी बारी। गाइस अभी वंशिका की टर्न है और ये रही 7 बॉटल्स और वंशिका के पास है बॉल। ये मारा मैंने 3 बॉटल्स। अभी बच रही है 4। इन दोनों को, अब इन चारों को देखते हैं मैं गिरा पाती या नहीं। ये गिराई तो 4 बॉटल्स। ये है लास्ट चांस। बॉटल्स एंड अब हम इसको नए स्टाइल से अटैच करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि पता आपको पता है हम अभी बाद में आए हैं। सो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है आपको पता ही होगा, हाँ, तो उनमें रोज़ ना रोज क्या है तो चिंगारी उठती है या धुआं निकलना शुरू हो जाता है या क्या है पट पट बोलने लग जाते हैं। सो अभी एकदम से गिरा और इतना धुआं निकला बहुत ज़्यादा, स्मेल भी अजीब सी आने लग गई थी। और अब आए थे उसको ठीक करने। बस यही बोलना चाहती हूँ। और मिलते हैं शाम के टाइम पे जब हम करेंगे डेकोरेशन। आई एम सो एक्साइटेड। सो बस गिफ्ट हम पापा को कल दे देंगे बिकॉज कल मॉल में जाएंगे। तो हम पापा को उनकी फेवरेट, मतलब पापा को जैसा पापा को जो पसंद आएगा टी शर्ट वगैरह वो हम पापा को दिला देंगे।
चलो मिलते हैं आपको शाम के टाइम पे। अभी हमने बस ऐसे उल्टा सीधा एक राउंड है मेरा। अभी आप हमारा राउंड देखा, सिंगल राउंड। बस चाहती हूँ और अभी आए थे चले गए। काफ़ी ज़्यादा वो लगता है, और दिन में तो कई बार इतना गर्माहट सी हो जाती है, बिकॉज अब तो गर्मी का मौसम हो रहा है और इतनी गर्मी लगती है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो दिल्ली। हमारी ट्यूसडे की ट्रेन हो चुकी है पक्की। मैंने आपसे बोला था संडे, पहले पापा ने बोला संडे की है टिकट, फिर हमने कहा पापा संडे की है तो फिर थोड़े दिन और रुक जाओ या फिर सैटरडे को चलो। तो पापा ने कहा नहीं अब पक्का नहीं हुआ। फिर पापा ने जो उसका देखा ना, टिकट तो मिल नहीं रही थी ट्यूसडे संडे की, तो ट्यूसडे की मिल रही थी, तो हमने ट्यूसडे की टिकट करवाई और अब हम चल पड़ेंगे दिल्ली पर। सो इसलिए हम कल जाएंगे मॉल, वहाँ पे भी रिश है। देखते हैं कितना पानी इकट्ठा होता है। इतना सही हुआ अभी दो बोतल में दिख रहा होगा कितना सा पानी इकट्ठा हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप निकल आई है, बट अभी छुप जाएगी। कल गाइस क्या हुआ, बारिश आ रही पट 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 पट, और थोड़ी देर बाद निकल आई तेज की धूप, निकाल दिया सारा पानी। और कितना पानी निकला दिखाओ, आके आगे आगे दिखाओ दिखाओ, इतना सा पानी निकला आप देख सकते हो। मैं लाओ ना, आपने तो दो। अब मैं दूसरे को इस बोतल आप मत करो। सो मिलते हैं शाम टाइम पर। हे गाइस, मैं दोबारा से मिल लो, और हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है। अभी मैं आपको इसका टूर देते हैं। एक बलून रह गया बस, और उसके बाद अब मैं आपको टॉर्टिला की भी रेसिपी बताएंगे। हमारे पास बेसिकली टॉर्टिला नहीं है, हम इसलिए रोटी से भी बनाएंगे। तो अभी मैं आपको डेकोरेशन का टूर कराता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पे है हमारे 6 बलून्स, ये है 1 2 3 4 5 6, और ये है टेबल पे। यहाँ पे लिखा है बीच में हैप्पी फादर्स डे, और ये ऐसे चलते। पहले मम्मी से पूछ ले, चलो गाइस चलते हैं। किचन जाते।
से मिलती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को कर दिया ऐसे ही कट, आपको रोटी लगानी है और जो मैं आपको लगाऊंगी पिज्ज़ा पास्ता सॉस, फिर टमाटर और प्याज और पिज्ज़ा पास्ता सीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगी मैं चीज़, तो चलो लगाते हैं और मिलते हैं। गजब पैसे दिया गाइस, ये आपको व्हाइट व्हाइट ये ट्रे है, मैं इसको फोन को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। और अभी वंशिका काट रही है चीज़, जैसे वंशिका ने वन काट ली है, मैं एक चार बना रही हूँ, तो मैं इनको ऐसे ऐसे स्लाइसेस को कट कर दे रही हूँ, इनको निकालनी नहीं अभी। अब जाओ तुम वो लेके आओ, तू ले आओ क्या टमाटर मंगा मैंने तुमसे। चलो सब्जियाँ कट कर मिलते हैं। हमने दो ऑनियन काट लिया है, वैसे ही हमें दो टमाटर काटने हैं, चलो काट कर मिलते हैं। हमने एक टमाटर काट दिया, वैसे ही हमें एक टमाटर और काटना है, यहाँ पर कुछ अच्छा सा दिखने लग जाएगा। अब ये टमाटर भी काट कर मिलती हूँ। हमारा मतलब ये हो चुका है, हमारे चूड़ा ये हो चुका है मिक्सर सा। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक कैच का, आपको ज़्यादा से डाल देना टेस्ट अनुसार। नमक डालोगे तो थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो सकता है, बट काफ़ी है, इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे इसमें पॉपकॉर्न्स हैं, इसमें आपको ये ले लेना है। अब इस पर आपको लगानी है हमें, देख सकते हैं इसमें आपको लगानी है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। चलो चलो लगा कर मिलते हैं। इसको हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और ये आपको आधे साइड में लगाना है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, मैंने थोड़ी सी लगाई है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे, कर दो स्प्रेड। अरे नहीं नहीं नहीं, फाड़ दी पूरी रोटी। इसको आपने इस साइड से स्प्रेड कर दो, एक ही कट किया ना तूने? हाँ एक ही कट करी अभी मैंने। अब आपको लेना है अपना जो मिक्सर जो आपने रेडी करा था, उस पर डालेंगे। इसको भी दूसरे साइड डाल लेना है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अरे हमारी चीज़, इस चीज़ को भी आप, अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे दिखने लगेगा मेरे बाल भी ना, दिखाती हूँ। यहाँ पे एक साइड लगा दी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, यहाँ पे एक साइड अनियन, अब मैं इस पर डालूंगी इस पे नहीं, इस वाले पे आपको डालनी है चीज़। अरे पूरा डाल दो ना, अरे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ हल्का हल्का तोड़ चुप वैसे वैसे करके आपको डाल देना है। अब आपको लेना है पिज़्ज़ा सीजनिंग, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये रही हमारी पिज़्ज़ा स्नीजिंग, इसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर दो। सो ये अपना हमारा कुछ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको इस पर ऐसे रखना है, इसको इसको ऐसे रखना है, और इसको ऐसे करके इसको ऐसे दबा देना है। ये बस 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 बस, ये हमारा हो चुका है। अब इसको आपको घी लग कर टोस्टर पे सेक देना है, जिससे थोड़ा सा क्रंची लगे। चलो मिलते हैं सारे बनाने के बाद और सेकने के बाद। गाइस अब क्या हुआ, हमने टोस्टर में लगाया तो हमारा ये पूरा प्रोडक्ट हो चुका है, टूट चुका है, तो इसलिए हम बना रहे हैं फ्राई पैन में, इसमें जाके देखते हैं क्या होता है इसमें भी। तो चलो बना कर मिलते हैं। गाइस अभी हम पॉपकॉर्न डाल रहे हैं, तो चलो मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मा बन गए पॉपकॉर्न, डाल दो बस। पॉपकॉर्न डलवा रहे हैं हम, तो काफी ज्यादा कुछ भी कुछ भी। सो ये रहा, छोड़ो सिंक के अंदर। हट हट मां, चम्मच लो चम्मच। अरे चम्मच देख लो, कितना अच्छे लग रहे हैं खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
पानी को देखो क्या से निकल गया। निकल गया। चलो अब इसको हम टेबल पर सेटिंग करके लेके चलते हैं। सो गाइस ये रही हमारी प्लेट। एक ही है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। ओ भाई भिड़ गई मम्मी। आ जाओ। अभी नहीं अभी नहीं। इसको हमने रख दिया यहाँ पर। पता है जैसा कि हमारी डेकोरेशन है ये देख सकते हैं। अगर इस पर एक भी देना गरम गरम तो ये फूट जाएंगे ना। हाँ तो बस अभी पापा को बुलाते हैं। अपना केक भी रख दिया जो हमने कल कट किया था। बाकी सब कुछ उसके नीचे लिखा है हैप्पी फादर्स डे। और जल्दी से बस हो गया है अब सब कुछ। अब जल्दी से पापा को बुलाते हैं। चलो देख लो हमारी थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन। देखो वैसे फादर्स डे के अगले दिन आएगा तो चलो आ चुके हैं। वो देखो थैंक यू वेलकम थैंक यू वेलकम। सो यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है। मिलते हैं खाने के बाद। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ मेरी तरफ से अगेन आप सबको हैप्पी फादर्स डे।